रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। तो आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं उसका नाम है क्रिस्पी बोटी कबाब। तो आज इसके लिए मैंने जो चिकन ली है वो 1 kg ली है और इसका पानी जो है बहुत अच्छे से निथार लिया है, इसको खुश्क कर लिया है बिल्कुल, और इतने पीसेस में इसको मैंने कट कर लिया है। इसके अंदर जो अज्जा जाएंगे वो आप नोट करते जाए साथ साथ, बताती जा रही हूँ। लेमन या सिरका 2 tablespoon मैंने इसमें डाल रही हूँ। लाल पिसी हुई मिर्च 1 tablespoon भर के, धनिया पाउडर जाएगा 1 teaspoon, लाल मिर्च पाउडर जाएगा। है आपके पास तो ठीक है, नहीं तो रेड फूड कलर ऐड कर लें, और हम भी इसमें रेड फूड कलर ऐड करेंगे। 1 tablespoon मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। चाट मसाला जाएगा 1 teaspoon भर के लिया था। ब्लैक पेपर है 1 teaspoon। तो हमने जो जो चीज़ें ऐड की हैं वो है इसमें सिरका, रेड चिली पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला डालना है अभी इसके अंदर हम डालते हैं, चाट मसाला डाला है, ब्लैक पेपर। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 teaspoon गरम मसाला। सॉल्ट ऐड करेंगे 1 teaspoon। अब इन सबको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। अदरक लहसुन 2 tablespoon, रेड फूड कलर ऐड करेंगे थोड़ा सा, इसको कलर देने के लिए थोड़ा अच्छा कलर आएगा इसको जब हम इसको फ्राई करेंगे। दही का पानी अलग कर दीजिएगा, अगर इसमें ज़्यादा पानी है तो उसको अलग कर दीजिएगा, मतलब इसे छलनी के अंदर किसी आप डाल के रख दीजिएगा दही को, उसमें से सारा उसका पानी निकल जाएगा, फिर आप यूज़ कीजिएगा। 10 मिनट के लिए छोड़ रहे हैं इसको। 10 मिनट हो गए हैं, अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 अंडा 2 tablespoon मैदा लिया है, 1/2 cup मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, 1 तमाम चीजों को हम मिक्स कर लेंगे। तो मैरिनेट हो चुका है चिकन हमारी, मैरिनेट हो चुकी है, अब इसको हम फ्राई करेंगे। चलते हैं फ्राई की तरफ। हमने कॉर्नफ्लावर और मैदा जो लगाया था वो इसको कोट करने के लिए लगाया था, और ये अच्छे से कोट हो चुकी है। मैं इसको एक एक करके फ्राई करूंगी। पाँच से छः मिनट के लिए मैं इसको पकने के लिए रखूंगी और इसको कवर कर दूंगी। 6 मिनट के बाद मैं इसको टर्न करूंगी। 6 मिनट इसको हो गए हैं, अब मैं इसको टर्न करने लगी हूँ। पांच मिनट के लिए और इसको हम कुक करेंगे। मैं इसको निकालने लगी हूँ चिकन को, क्योंकि हमने इसे रीफ्राई करना है। इसको निकाल के मैं पेपर टॉवल पे रखूँगी।
इसको रीफ्राई कर रही हूँ। फ्लेम को मैंने तेज़ कर दिया है और मैं इसमें सिर्फ 2 मिनट के लिए डालकर इनको बाहर निकाल लूँगी। वेजेस को फ्राई करेंगे बहुत हल्का सा, 1 से 2 टेबलस्पून, बस 1 टीस्पून ऑयल डालती हूँ। और इसमें ये मैंने गाजर और मटर को जो है ब्लांच किया है, ये बस मैं इसमें डाल के इतने ही ऑयल के अंदर डाल के मैं इसको फ्राई करूँगी। डालूंगी ब्लैक पेपर, ब्लांच करते टाइम मैंने इसमें नमक ऐड किया था तो इसलिए मैं इसमें अब नमक नहीं डालूंगी। मैं शिमला मिर्च को सौते करूंगी, हल्का सा नमक डालेंगे, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, क्रिस्पी फ्राइड चिकन। और इसके साथ जो हमने सर्व किया है वो वेजिटेबल्स आपके सामने ही फ्राई करी हैं सारी, वो इसके साथ सर्व किया है। और इसको आप नान, चपाती या राइस के साथ भी खा सकते हैं। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह ने के बान।